दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सिखाऊंगा घात घातांक एवं करनी का कुछ स्पेशल नियम है, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए कि इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे सॉल्व करिएगा। जैसे अगर जो हम इसमें से कुछ ले लेते हैं क्वेश्चन आउटी, मान लेते हैं कि रूट के अंदर अगर 16 दे दिया गया है तो इसको आप तुरंत में क्या कहोगे कि सर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर रूट के अंदर में दे दिया गया है 64 तो आप बोलोगे सर इसका आंसर कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब ऐसी संख्या लगातार आ जाए कि रूट के अंदर और रूट के अंदर जब बार बार दे दिया जाए तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए इसी चीज को हम अभी समझने के प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ कि रूट अंडर टू प्लस रूट अंडर टू प्लस रूट अंडर टू प्लस डॉट 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 का मान क्या होगा दोस्तों। तो इसमें से दो चीज को ध्यान रखना दोस्तों कि सबसे पहले नंबर इसमें क्या देखना है कि अगर रूट में दिया गया है तो क्या सेम मान दिया गया है, पहली चीज देखना है। दूसरी चीज में यह देखना है कि चीन जो है वो किस में दिया गया है, प्लस है या माइनस है, और यहां पर यह देखना है कि इन्फिनेटिव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या दिया गया है इस पर कि 2 एकदम सेम नंबर दिया गया है सभी में, ठीक है ना, और प्लस का चिन्ह दिया गया। तो दोस्तों अगर इसको जनरल तरीका से हम सोल्व करते हैं तो एक लंबी प्रक्रिया चल जाता है, तो हम उस चीज को नहीं अपनाएंगे, हम इसे एक ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए करना क्या है कि इसमें जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या को आपको घींच करके बाहर लाना है। क्या करना दोस्तों, बाहर घींच कर लाना है। अब इसको हमें देखना है कि ऐसा दो गुणनखंड करना है जिसका अंतर 1 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो बताइए कि 2 को कौन सी संख्या में तोड़ा जाए कि इसका गुणनखंड 1 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाएगा कि 2 × 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर डिफरेंस हम देख लेते हैं, डी फॉर डिफरेंस, तो डिफरेंस दोस्तों कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो यानी कि 2 और 1 में अगर तोड़ते हैं तो हमारा 2 चले आएगा और इसका अंतर कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि इसमें अगर प्लस, क्वेश्चन में अगर प्लस का चिन्ह दिया जाएगा तो आपको बड़ा मान होगा, अगर माइनस का चिन्ह दिया जाएगा तो छोटा मान रहेगा। जैसे अगर मान लेते हैं दोस्तों, इसको हम यहाँ समझ लेते हैं इस तरह से क्वेश्चन को बना करके कि मान लेते हैं √√2 − √√2 − √2 इस प्रकार से अगर दे दिया गया दोस्तों तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि उसी तरह से तोड़ना इसको है कि 2 जो है दोस्तों, 2 को बाहर निकालना है और बाहर निकाल करके क्या करना है कि 2 को ऐसे 2 गुणनखंड बनाना है कि जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों को अगर तोड़ते हैं तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, माइनस का चिन्ह दिया गया है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, छोटा वाला मान हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है, √√56 + √56 + √56 + ……. का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसको कि 56 को बाहर निकालेंगे। अब 56 को 2 ऐसे टुकड़े बनाएंगे, 2 ऐसे पेयर बनाएंगे जिसका डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए, 1 होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए अगर इसको हम तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 × 7 = 56, और 8 और 7 का अगर डिफरेंस हम देखते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में मेरा क्या दिया गया है, प्लस का चिन्ह दिया गया है, तो जब प्लस का मान रहेगा तो हम हमेशा क्या होगा, बड़ी मान इसका आंसर होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आगे सोल्व कर लीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को भेज सकते हैं, मैं आपकी क्वेश्चन को बहुत जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा दोस्तों।